हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं व्लॉग की शुरुआत जो है कर रही हूँ 2 बजे से, 2 बज रहे अभी। तो अभी मैं आई थी यहाँ पे गाय के पास, छोटी सी बच्ची है जैसे कि मैं कई व्लॉग में दिखा चुकी हूँ अपने। और तो मैं अभी आई थी अपनी बेटी को सुला के, मैं सबसे पहले यहीं आई बच्चे, क्योंकि थोड़ा मैं ऐसी आती हूँ कि आज जो है मौसम भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा है। आजकल हमारे लिए तो सुबह शाम ना ठंड हो गई है, काफ़ी ठंड हो गई है। जैसे सुबह शाम मतलब गर्मी और ठंड महसूस एकदम से हो जाती है, जैसे गर्मी होती है तभी ठंड, तो आजकल ठंड से हो गई है और अक्टूबर से तो हो ही जाती है वैसे ठंड। मेरा जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बिद्दू राम, और इस चीज़ की नोज़ कितनी ठंडी ठंडी सी है, और इसको ना खुजली करनी होती है बच्चे को। अगर इसे खुजली ना करो ना तो ये बिल्कुल मारने पीटने पे उतर आती है, और इसको खुजली करनी पड़ती है वजह भी इसके बाद, क्योंकि मैंने जब से ये पैदा हुई है ना तब से इसके ऊपर बहुत बुरी, देखो मेरे को कैसे मारी है इसकी, उन्हें मैंने बहुत ज़्यादा बुरी आदत डाली थी ये जब से हुई थी है। और अब जब भी इसके ऊपर बैठो ना तो ये बस खुजली के लिए डिमांड करती रहती है, ऊपर उठ। लकड़ी का जाल ना पता है कितनी बार झाड़ चुकी हूँ और फिर से ये लग जाता है, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये देखो। और ये हमारे अरबी के पत्ते, कितने बड़े बड़े पत्ते, तो ये भी बड़े बड़े हो रहे हैं अब दिन प्रतिदिन, इतना बड़ा हो गया। एक देखो वहाँ ऊपर जो फुल साइज़ का है, आज ना मौसम फिर से ख़राब है और बारिश आ सकती है आज भी, और मेरे को लगता है कि आएगी ही आएगी बारिश। और यहाँ नीचे टूर्नामेंट की प्रैक्टिस चली है बच्चों के स्कूल में, तो बहुत ज़्यादा रौड़ा पाया होता है इन्होंने। कल जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें भी बहुत ज़्यादा शोर करते, यहाँ तक सुनाई देता, कुछ स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते वो भी यहाँ तक सुनाई देता, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है बच्चों को, जैसे पूरी साल भर पढ़ना ही होता है तो फिर बीच में ये डे एक आता है ना जो स्पोर्ट्स वाला, क्योंकि हम खुद भी रह चुके हैं स्पोर्ट्स में तो हम खुद भी एक्साइटेड होते थे बहुत ज़्यादा। तो जैसे तो जुलाई के बाद हो जाती थी हमारी प्रैक्टिस शुरू। तो मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास राजमा की दाल तो बची हुई है, तो आज मेरे पास मतलब ऐसा है कि अगर मैं उसे मतलब ऐसे ही रख लूँ ना फ्रिज पे तो वो ख़राब हो जाएगी कल के लिए, तो मैंने सोचा है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हम रात को चावल तो नहीं खाते बस चपाती ही खाते हैं, तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं यहाँ पे, हमने अपने बैंगन लगाए हुए तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको ही ले जाती हूँ ऊपर, दो इतने बड़े बड़े हैं, दो भी बहुत है। ये परसों मैंने 3 के बनाए थे तो बिल्कुल हलवा टाइप बन गई थी, ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बनाते ना तो वो अच्छी नहीं बनती, ना टेस्ट आता उसमें ना ही कुछ और आता उसमें, जो जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा टेस्टी एंड स्पाइसी बनती है। दोस्तों हमारे बैंगन तो ये जो है ना अभी फ्लावर ही निकले हुए हैं इसमें, और कुछ कुछ इतने छोटे छोटे जैसे आपको दिख भी रहे होंगे, तो वहाँ देखो आप हमारे एक करेला भी लग गया है, कड़वा करेला बस एक ही लगा है शायद ये, और पता नहीं। सोच के तो मैं शिमला बैंगन गई थी, पर मैं शिमला मिर्च लाई, क्योंकि ये देखो बैंगन तो मैं नहीं लाया, मैंने सोचा मैं शिमला मिर्च और पनीर बनाऊंगी आज, क्योंकि जो ये है ना ये सड़ चुकी है ये देख सकते हैं आप, तो फिर और जब मैं इसको रख लेती ना तो और सड़ जानी थी, अभी ऊपर ऊपर से देखो। हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, तो मैं नेक्स्ट डे से कर रही हूँ आज ब्लॉग स्टार्ट। तो अभी आई हूँ मैं इधर खेत, घर के साथ ही आई हूँ, यहाँ देखो पीछे कोई घर है, क्योंकि यहाँ पे मेरी सास सुमान ने जो है घास कट करके रखा हुआ था किल्टे में थोड़ा सा, तो मैं इसको लेने जा रही हूँ, उन्होंने यहाँ पे किल्टा भर के रखा हुआ है तो मैं लेने जा रही हूँ घास। तो मैंने सोचा थोड़ा सा, कल मैंने कुछ भी नहीं किया आगे शूट क्योंकि था ही कुछ नहीं उसके बाद, तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको कुछ। तो अभी सेब हो चुके हैं बिल्कुल लाल लाल, पर ये मेरा खेत नहीं है, किसी और का खेत है फिर भी, और किसी किसी के खेत में, ये भी मेरा खेत नहीं है, ये बस हम घास खा, घर के पास नज़दीक है ना तो इसलिए यहाँ से बोल बता के घास काट लेते हैं वह। और हमारे इधर देखो अब अपने खेतों में सबने कद्दू लगाए होते हैं, क्योंकि जैसे इनके पास भी गाय है जिनका ये खेत है, तो गाय के लिए सर्दियों में जैसे आग जलाई होती है ना, चूल्हा जलाया होता है तो उसके ऊपर पका लेते हैं, बर्फ़ भी गिरी होती है दिन भी, दिन में आग जली ही रहती है। यहाँ पे देखो मेरा किल्टा भी है, तो
यहाँ पे नहीं है कोई कद्दू लगाए, क्योंकि ये जो खेत है ये मतलब वो खुद भी नहीं रहते जिनका ये खेत है यहाँ पे गांव में, वो बाहर रहते हैं। तो अभी मैं यहाँ आई हूँ अपना किल्टा लेने। तो यार कहाँ से जाऊँ मैं, फंस गई बुरी। यहाँ पेड़ देखो दूसरों के सेब झड़ जाएंगे। इतने मच्छर होते हैं ना जहाँ पे गाय बांधी होती है, तो यहाँ पे गाय होती है ना तो वो भी अंदर है। और मैं आई थी दूध निकालने गाय से, क्योंकि 5:30 हो रहे हैं, अब 5:30 बजे ही निकालते हैं हम। तो अभी मैं यहाँ पे आई थी तो इतना ही ज़्यादा मच्छर है ना, इतना ज़्यादा खा रहे हैं ना, और आज भी आ रही है मेरे साथ, ये रोज़ आती है शाम शाम को। तो मैं बहुत मुश्किल से आई यार वहाँ से, मेरे को ना वहाँ पे फिर कील्टा उतारना पड़ा पीठ से, बड़ी मुश्किल से चका था फिर उतारना पड़ा मेरे को। फिर मैंने आधे तक लाया उसको सी पकड़ के, वहाँ पे था ऊपर दूसरा खेत ऊंचाई नहीं गंदे से है वो। तब फिर वह यार पता क्या था ना, दूसरों की भी मेहनत होती है, दूसरों को ऐसे नहीं देखना चाहिए हमेशा ही कि अपना फ़ायदा देखो। आप कोई देख नहीं रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठा लोगे, यहाँ से जाओ तोड़ो करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरे को ना बहुत ऐसा लगता है कि दूसरों के खेत में भी, मेरे को ऐसा नहीं है कि दूसरों का खेत है यार, क्या है टूट भी जाए वो, उससे उनको क्या पता लगना है ये वो। पर यार पता लगना है जिसको तो देख रहा है ना ऊपर से, बाकी का क्या है। पर मैं फिर नीचे उतार दिया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था यार, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं था आने के लिए। तो आ जाती मैं अगर जोर की आती ना, अरे तो वो सारे सेब आगे के झड़ जाने थे टहनने के, तो फिर लोगों की सोचो आप कितनी मेहनत वेस्ट हो जानी थी। इसलिए मैं ऐसे ही आई। और देखो यहाँ पर आप इसको देखो, अरबी को सेब खा रहा हूँ मैं, बिना धोए नहीं खाएगी दोस्तों ये कुछ भी सेब सूप जो होगा ड्रम में पानी होगा। तो देखो देखो कितनी केयरिंग लड़की है मेरी, ये देखना इस कट्टे को बिछा रही है वापसी क्रेट के ऊपर ताकि मच्छर ना लगे। हो गया काफी है फिनिशिंग। देखो इसको, इसका बेचारी का सेब ही गिर गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, धो लो इसको और धो लो ड्रम के पानी से, नहीं है यहाँ पे गंदा नहीं है। ये नहीं पहुंच पा रही है ऊपर इस ड्रम में, नहीं पहुंच पाए आप। चलो मैं धो लेती हूँ, कोई बात नहीं। ये इसको भात भी धोने हैं यार लड़की, इधर आओ। आगे करना थोड़े हाथ, हो गया इसके हाथ में थोड़ा भी नीचे रहना, इतनी ज्यादा सी लड़की है ना ये, बहुत ज्यादा खचुई जैसी बोलते हैं हमारी भाषा में।